ये रोड का बोर्ड है, यहाँ से जो टर्बाइन गुजरे थे तो पहले ये उतरा दिया गया था, अभी ये वापस है वो लगा रहे हैं, क्योंकि जो टर्बाइन के साथ में जो कंपनी के कर्मचारी चल रहे हैं उसकी जवाबदारी है, जहाँ भी कोई बोल्ट वगैरह होते हैं तो वो दोबारे जुड़ा देते हैं। अभी ये जहाँ ये लगाया हुआ था वहाँ पर लगा देगा। क्रेन द्वारा ये लगा देगा। देखिए ये रोड के बोर्ड है, वो बोर्ड लगा रहे हैं बीकानेर रोड पे, जो यहाँ से जो टर्बाइन गुजरा था ना तो उसको उतारना पड़ा। उतारने के बाद जो इसके कंपनी के कर्मचारी है वो साथ में है, और ऐसे वापस लगा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, हमारे राजस्थान के वीडियो है जो बीकानेर रोड पे टर्बाइन गुजर रहे थे, इसके लिए ये बोर्ड है वो उतारना पड़ा, और ये उतारने के बाद क्रेन द्वारा वापस लगा रहे हैं। इसके नट होते हैं, नट कस के ये लगा देगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग नियम होता है। जो इतना बड़ा एक रिफाइनरी के काम आने वाला टर्बाइन जो यहाँ इस रोड पे गुजरे थे, तो जो PWD रोड के महकमे हैं उसको सूचना दी जाती है, और जो कंपनी है कंपनी के कर्मचारी उसके साथ में भी रहते हैं, और ये वापस लगा देगा। आजकल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा हर काम होता है, मशीन का एक ज़माना है, ऐसी कौन सी चीज़ है वो मशीन से नहीं होती है। ये सब साथ में रहते हैं उनके, ये है भवानी होटल के पास बीकानेर रोड पे आसा के पास भवानी होटल है, भवानी होटल के पास ये बोर्ड है। अब मैं थोड़ा जो कंपनी के यहाँ कर्मचारी है उनसे थोड़ी बातचीत और करते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार सर, आपको सबसे पहले तो मैं नाम पूछ लेता हूँ। मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, जो ये बोर्ड उतार रहे हैं और बोर्ड उतार दिया वो वापस लगा दिया, तो इसका टेंडर है वो अलग दिया जाता है क्या? हाँ, अलग दिया जाता है। अलग दिया जाता है, पहले लाइट का अलग हो गया, वायर का अलग हो गया, जैसे इसका अलग है, रेलवे का अलग हो गया। तो ये जो क्रेन वगैरह है वो इसके साथ में ही चलती है क्या? नहीं नहीं, क्रेन अलग अलग, जैसे अलग अलग है, सिटी आगे से दासर की आएगी, आगे तारनगर की। अच्छा अच्छा, जो PWD की है क्रेन, PWD की क्रेन है, तो यहाँ जहाँ भी बोर्ड आएंगे, और आपकी देख रेख आपकी है? हाँ, देख रेख जो बोर्ड उतार रहे हैं उसकी, वापस लगा रहे हैं उसकी। अच्छा, आप कितनी दूर उसके साथ में जाओगे? मैं पानीपत तक जाओगे। अच्छा, तो ये राजस्थान में कितने टाइम लग गए? राजस्थान में तो राजस्थान से लगभग 4 महीने लग गए। 4 महीने लग गए? ओह, बहुत टाइम लग रहे हैं। फिर भी हरियाणा तक पहुँचेंगे तो और टाइम लग जाएंगे। जाएगा क्यों? और उसके साथ में जो प्रशासन हुआ है, और भी कोई जो सुविधा है? हाँ, सब मिलती है। अच्छा, और जैसे कोई रास्ते के अंदर जो कोई भी मिल जाता है, तो ऐसे कोई उसके पास कोई झंझट वगैरह होते हैं तो पुलिस प्रशासन भी है? सब, वो भी साथ में। अच्छा, तो ये बोर्ड है वो अभी लगा देगा, और बोर्ड पहले उतारा था और अभी ये लगा रहे हैं, और PWD के जो भी कर्मचारी होते हैं, जहाँ जो रास्ते में बैठे हैं उसी रास्ते में जो
ऑफिस हेड ऑफिस लगती है वहाँ तक सूचना दी जाती है कि भाई इसी रास्ते ये जो टर्बाइन है वो गुजर रहे हैं। तो इसमें विद्युत का जो काम है वो अलग दिया जाता है, भाई साहब बोल रहे पंकज जी, और ये जो रोड का काम है वो अलग दिया जाता है, और जो भी ये टिपने के बाद जो कोई भी नुकसान होता है वो वैसा कर देता है। तो सर जो डूंगरगढ़ का घूम चक्कर है वो पूरा का पूरा टूटा था? नहीं, आधा आधा टूटा था। वो भी बना देगा? वो भी नगर पालिका वाले मनाएंगे। अच्छा, जारी कर देंगे। इनकी मतलब बात जो डिपार्टमेंट होता है उसके साथ ही होती है? साथ ही होता है। जब शहर में घूम चक्कर कोई सर्किल टूटाता है तो नगर पालिका या नगर निगम में उनका पहले सूचना मिलती है और उनसे बात की जाती है। उससे बात की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी जानकारी देने के लिए, क्योंकि हमारे वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा, अभी हम खड़े हैं जय श्री भवानी होटल के आशा सर के ठीक, और यहाँ एक बोर्ड था और बोर्ड है वो वापिस लगा रहे हैं जय हिंद जय भारत।